YouTube के इस चैनल में सभी बच्चों का स्वागत करते हैं जो भी हमारे चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं। तो STT शिक्षा जगत से संबंधित 94,000 शिक्षक बहाली संबंधित किसी भी खबर के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए दोस्तों, लिखा है कि हेडमास्टर बहाली में TET STET की अनिवार्यता खत्म करने पर आक्रोश। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूँ कि हेडमास्टर बहाली में TET और STET की अनिवार्यता को ख़त्म किया जा रहा है, जो कि नई नियमावली जारी हुई उसमें कई सारे संशोधन किए गए हैं। पहले क्या होता था कि एकेडमिक के आधार पे और जो टीचर ट्रेनिंग होती थी उसके आधार पे जो है अभ्यर्थियों को हेडमास्टर के लिए प्रमोशन दिया जाता था, लेकिन अब कहीं ना कहीं प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से कहा गया है कि भाई आगे की प्रक्रिया चलेगी। लेकिन इसमें कई सारे ढेर सारे बदलाव किए गए हैं जिसका विरोध चल रहा है और अभ्यर्थी जो है फिर से कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं। हेडमास्टर बहाली में देख सकते हैं TET और STET की अनिवार्यता को ख़त्म करने पर आक्रोश उत्पन्न किया गया है। STET की अनिवार्यता को ख़त्म करने पर आक्रोश। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि हेडमास्टर बहाली में जो STET की अनिवार्यता को ख़त्म करने का जो आक्रोश है वो बढ़ता जा रहा है। प्राथमिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षक और मध्य एवं उच्च विद्यालयों में प्रधानाध्यापक बहाली को लेकर राज्य सरकार द्वारा लाई गई नई नियमावली पर TET STET शिक्षकों का देख सकते हैं गाइस, लिखा है आक्रोश फूट पड़ा है। जी हाँ दोस्तों, सरकार ने सूबे के प्राथमिक मध्य एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षक एवं प्रधानाध्यापक बहाली को लेकर BPSC के जरिए परीक्षा लेने का निर्णय लिया है। परीक्षा में बैठने के लिए कार्यरत बेसिक ग्रेड शिक्षकों को 8 साल सेवा अवधि की बाध्यता एवं माध्यमिक और उत्तर उच्च माध्यमिक के शिक्षकों के लिए 10 और 8 साल सेवा अवधि की बाध्यता निर्धारित कर दी गई है। दूसरी तरफ शिक्षा अधिकार कानून और नई शिक्षा नीति 20 को दरकिनार करते हुए TET STET अनिवार्यता की बाध्यता को समाप्त कर दिया गया है। TET STET उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक संघ गुट ने इस बहाली नियमावली को असंवैधानिक करार दिया है। देख सकते हैं, संगठन के प्रदेश अध्यक्ष मार्कांडे पाठक ने कहा कि जब अध्यापक की बहाली के लिए TET STET अनिवार्य है तो प्रधानाध्यापक बहाली के लिए इसकी अनिवार्यता समाप्त करने का क्या आधार है। इस नियमावली के जरिए सरकार TET STET शिक्षकों को दरकिनार करने की साजिश कर रही है। शिक्षक चुप नहीं बैठेंगे, इस मामले पर सड़क से लेकर न्यायालय तक पुरजोर विरोध किया जा रहा है। तो देख सकते हैं, आंदोलन की चेतावनी दी गई है। शिक्षकों ने कहा हेडमास्टर बहाली में TET हटाना असंवैधानिक है। TET STET शिक्षक संघ इस आदेश के विरोध में जाएंगे कोर्ट। जी हाँ दोस्तों, एक बहुत बड़ा आंदोलन करने का यहाँ पे प्लान बन रहा है, क्योंकि TET और STET की अनिवार्यता को समाप्त करना कहीं ना कहीं विभाग की एक बड़ी गलती हो सकती है। देख सकते हैं गाइस, आज की न्यूज़पेपर में खबर छपी हुई है। आगे देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे प्राथमिक शिक्षा निदेशक का जो ये लेटर है काफ़ी महत्वपूर्ण है। अमरेंद्र प्रसाद सिंह, देख सकते हैं, निदेशक माध्यमिक प्राथमिक शिक्षा, सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी, सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, पंचायती राज संस्थान एवं नगर निकाय संस्थान के अंतर्गत वर्ष 2006 से 2015 की अवधि में नियुक्त शिक्षकों के प्रमाण पत्र के अपलोड। तो देखिए, ये लेटर जो था परसों जारी किया गया था, लेकिन इस लेटर के क्या कुछ महत्व हो सकते हैं वो हम बात करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। देखिए, लिखा है पंचायती राज संस्थान एवं नगर निकाय संस्थान के अंतर्गत वर्ष 2006 से 2015 की अवधि में नियुक्त शिक्षकों को दिनांक 21/6/2021 को प्रकाशित प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से सूचित किया गया था कि शिक्षा विभाग के वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से पोर्टल पर अपना निबंधन करते हुए पोर्टल में अपलोड किए गए प्रपत्र में आवश्यक सूचना अंकित कर मूल प्रमाण पत्रों का स्कैन कापी दिनांक 20/7/2021 तक निश्चित रूप से अपलोड करें। तो देख सकते हैं दोस्तों, कहीं ना कहीं सख्ताई जो है वो बढ़ती जा रही है। पंचायती राज संस्थान एवं नगर निकाय संस्थान के अंतर्गत 2006 से 15 तक की अवधि में जो भी शिक्षक नियुक्त हुए हैं उनको कहा गया है कि भाई अपने सर्टिफिकेट जो हैं वो आप लोग अपलोड कर दीजिए। इस क्रम में कतिपय शिक्षकों का जिला कार्यालय के स्तर से EPF संख्या की गलत प्रविष्टि हुई तथा शिक्षकों की सही EPF संख्या के साथ गलत प्रविष्टि से संबंधित शिक्षकों की सूची विशेष दूत द्वारा निदेशालय को उपलब्ध कराया गया, जिसे सुधार हेतु निदेशालय द्वारा राज्य सूचना विज्ञान केंद्र को भेजा गया। राज्य सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा ऐसे शिक्षकों का EPF
संख्या का संशोधन दिनांक 20/7/2021 के बाद भी किया गया है। तो देख सकते हैं गाइस, बड़ी अपडेट सामने उभर के आ रही है। और मैं आपको बता दूं कि कहा गया है यहाँ पर साफ तौर पे, आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर कहा गया है कि आप अपने जो सर्टिफिकेट वो अपलोड कर दें, नहीं तो जो है आवश्यक कार्रवाई जो है की जाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं सख्ती जो है वो बढ़ती जा रही है। और इसे देख के प्राथमिक शिक्षा निदेशक का ये लेटर जो है वो जारी किया गया है। और कहा गया है कि अगर जिनका प्रमाण पत्र अपलोड नहीं किया जा सका है कि प्रमाण पत्रों को उक्त निर्धारित अवधि तक अपलोड कर लें, ठीक है। चलिए आगे देखिए, प्रधानाध्यापक के लिए शिक्षक ही माने जाएंगे योग्य। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं कौन माना जाएगा योग्य। नए उच्च माध्यमिक स्कूलों में देख सकते हैं 5334 में प्रधानाध्यापक पद के लिए सरकारी स्कूलों में जिला परिषद और नगर निकायों के माध्यम से नियुक्त प्लस टू के शिक्षक जिन्हें 8 साल पढ़ाने का अनुभव हो आवेदन कर सकेंगे। तो देख सकते हैं एलिजिबिलिटी देखिए, कक्षा 9 से 10 के लिए जो के लिए शिक्षक जो पोस्ट ग्रेजुएट हैं और 10 साल पढ़ाने का अनुभव है। तो देख सकते हैं ये तमाम चीज़ें यहाँ पे हेडमास्टर बनने के लिए रखा। साथ ही साथ गाइस आप देख सकते हैं ये प्रधानाध्यापक की परीक्षा में होंगे 150 अंकों के 150 सवाल होंगे निगेटिव मार्किंग। तो कहीं ना कहीं कठिनाई जो है वो बढ़ती जा रही है और बड़ी कठिनाई के साथ जो है ये परीक्षा ली जाएगी, लेकिन इसमें कई सारे बदलाव किए गए हैं, ये एक बड़ी बात है इसमें। आगे देखिए दोस्तों, एसटीडी संबंधित एक महत्वपूर्ण लेटर यहाँ जारी किया गया है। कार्यालय नगर पंचायत भैया भोजपुर, आप देख सकते हैं उप सचिव शिक्षा विभाग बिहार सरकार के अधिसूचना कार्यालय आदेश जारी किया गया। शिक्षा विभाग आदेश है दिनांक 29/7/2021 के आदेश के अनुपालन में छठे चरण के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों के नियोजन की प्रक्रिया के अंतर्गत दिनांक 26/9/2021 तक नियुक्त संबंधित अर्हता रखने वाले ST 2021 उत्तीर्ण वैसे अप्रशिक्षित अभ्यर्थी जो BEd सत्र 2016-18 में नामांकित हैं तथा दिनांक दे सकते हैं 26/9/2019 तक जिनका परीक्षा फल प्रकाशित हो गया है वे आवेदन समर्पित करेंगे। तो दे सकते हैं गाइज, जिन्होंने कहा कि ST 2021 में उत्तीर्ण वो अभ्यर्थी, यानी कि जो जिसने भी STT क्वालिफाइड किया है। और ये कार्यालय का देखिए एक लेटर जारी किया गया है, बहुत महत्वपूर्ण लेटर है। और इसमें लिखा गया है कि जिन अभ्यर्थियों ने देख सकते हैं गाइज यहाँ पे लिखा हुआ है शिक्षकों के नियोजन की प्रक्रिया के उपरांत दिनांक 26/9/2021 तक नियुक्त संबंधित अर्हता रखने वाले ST 2021 उत्तीर्ण वैसे अप्रशिक्षित, यानी कि अभी अभी जिसका रिजल्ट जारी हुआ है 2021 तक का, ठीक है, वो भी जिन्होंने कि BEd 2016-18 में किया है दिनांक 26/9/2019 तक जिनका परीक्षा फल प्रकाशित हो गया है, ठीक है, वे आवेदन समर्पित करेंगे। जिन अभ्यर्थियों ने पूर्व में आवेदन समर्पित कर दिया है उन्हें आवेदन समर्पित करने की आवश्यकता नहीं है। तो देख सकते हैं छठे चरण में STT को आवेदन करने के लिए यहाँ पे लेटर जो है वो जारी किया गया है, ठीक है। आवेदन दिनांक 18/8/2021 से 17/9/2021 तक नियोजन इकाई नगर पंचायत लिखा है यहाँ पे बिहिया कार्यालय में 11 बजे से लेकर देखिए 4 बजे तक का समय दिया है, स्वीकार किया जाएगा। तो महत्वपूर्ण लेटर हो सकता है, कहीं ना कहीं विभाग के द्वारा छठे चरण में मौका दिया जा रहा है STT अभ्यर्थियों के लिए, तो अच्छी खबर है ये। और सभी क्वालिफाइड अभ्यर्थियों की नौकरी जल्द से जल्द पक्की होगी ऐसे हम उम्मीद करते हैं। और यहाँ पर साफ तौर पर आदेश दिया गया है कि 2021 तक जो भी अभ्यर्थी STT क्वालिफाइड हैं वो छठे चरण में जो है जो कि बहाली की प्रक्रिया चल रही है उसमें आवेदन कर सकते हैं। और जिन लोगों ने आवेदन पहले से दिया है उन लोगों को आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण लेटर है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। पसंद आया तो ज़रूर आप शेयर कीजिएगा। पल पल खबर के लिए जुड़े रहिएगा। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।